सो ये ब्रांड को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ एंड इनफैक्ट मेरे काफ़ी सारे आउटफिट्स उन्होंने किए हैं. जैसे प्रिंस नरुला जी की वेडिंग हुई थी तभी के मेरे सारे आउटफिट्स बिन्नी के थे. मैं इस फेस में थी तभी के मेरे इंडियन आउटफिट्स जितने भी थे वो बिन्नी के थे. तो आई थिंक इट्स अ रिलेशनशिप वी हैव सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो व्हेन एवर दे वांट मी आई एम हियर. सो इनका वेडिंग कलेक्शन इट्स क्वाइट अ मिक्स एंड मैच ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशन. तो आई थिंक लड़कियों के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और इनका जो स्टूडियो है उसकी खासियत ये है कि इट मेक्स यू फील वेरी ग्रैंड. इट मेक्स यू फील लाइक कि हाँ इनफैक्ट जो अभी मैंने पहना है वो भी बिन्नी का है. सो या इट्स ऑलवेज अ ग्रेट चॉइस. मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देयर आर थ्री सॉन्ग्स दैट आर कमिंग ऑल विद माई फेवरेट एक्टर्स Mohsin Khan, Parsam Khan and Suyash Rai. So I'm just waiting for those songs and waiting for a kickstart project in December. मैं बिग बॉस नहीं देखी. मैं देख ही नहीं रही हूँ इस बार बिग बॉस. एंड आई थिंक आई हैव ग्रोन ओवर इट नाउ. आपको कोई और रियलिटी शो में आप जाना चाहोगे? हाँ, झलक दिखला जो अच्छा चल रहा है तो मैं भी झलक दिखला जो जाना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. It's a beautiful brand and they have such lovely collections. इनकी जो कारीगरी है जो काम है उसमें इतनी खूबसूरत डिटेलिंग है. कलर ऑप्शंस आर अमेजिंग. देर सो मैनी ऑफ देम एंड द ब्लेंड्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आर ऑल्सो रियली रियली लवली. सो आई वुड इनकरेज एवरीबडी टू डेफिनेटली कम हियर एंड यू नो पिक आउट द ब्यूटिफुल आउटफिट्स. मैम आप आज काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो. अपने ड्रेस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इन्हीं का ड्रेस है. इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. आई लव शेड्स ऑफ पिंक. सो इट हैज़ दैट एंड इट्स गॉट ब्यूटिफुल गोल्डन वर्क ऑन इट इज़ वेल. द ब्लाउज इज़ रियली ब्यूटिफुल. सो आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा लग रहा है पहन के. खूबसूरत फील हो रहा है. बिंदिनी स्टोर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरह का स्टोर? बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ पे. व्हेन यू कम इन इट स्मेल्स अमेजिंग. सो आई थिंक दे हैव गॉट सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड ऑल द टाइम. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. प्लस द डिस्प्ले इज़ वेरी वंडरफुल. तो जब आप यहाँ आते हैं आपको बहुत सारे अलग अलग वैरायटी और अलग अलग किस्म के जितने भी ड्रेसेस गाउन्स लहंगाज सब देखने को मिलता है. तो आई थिंक वंस यू कम हियर यू विल प्रोबेबली वांट टू जस्ट यू नो पिक अप एवरीथिंग एंड गो होम. मैम रियलिटी शो चालू है, बिग बॉस चालू है, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हो? मुझे अब्दू बहुत पसंद है. ही इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड मैंने इतना देखा तो नहीं है इस साल का बिग बॉस बट जो भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर मैं स्निपेट्स देखती रहती हूँ तो जब भी मैं उनको देखती हूँ मैं एकदम ऐसे देखती रहती हूँ. इज़ वेरी अडोरेबल. मैम आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो आ रहा है? यस, किन्ना सोना जस्ट केम आउट इन फोन बूथ. पीपल हैव शोन अ लॉट ऑफ लव फॉर इट सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. देन माय सिंगल इज़ रिलीजिंग टुमारो विद टी सीरीज कॉल मैं तेनू छट जाऊंगी. तो आई होप वो भी लोगों को पसंद आए. मैम फोन बूथ में आपका किस तरह का कैरेक्टर से आप बताना चाहोगे? मैंने गाना गाया है फिल्म. थैंक यू मैम. थैंक यू.